तो आप इस प्रकार की रेसिपी देख के खुद ही अंदाजा लगा लें कैसा इसका टेस्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओल की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस सब्जी के लिए फ्रेंड्स हमने 400 ग्राम के आसपास ओल लिया है, ये मद्रासी ओल है, तो उसे हम पहले छील लेंगे अच्छे से किसी छीलने की मदद से। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी छीलें, हालांकि ध्यान दें छीलने के समय, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, तो आप तो अच्छे से छीलें ताकि आपके हाथों को चाकू लगने ना पाए। तो इसी प्रकार से हमने सारे ओल को छील लिया है और कुछ इस प्रकार के शेप में हम काटेंगे। शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा भी मोटा पतला जैसा रखना हो। हमने कुछ इस प्रकार के शेप में काटा है, पतले पतले हाफ इंच इसकी मोटाई रखा है और उसके बाद इसे पतले पतले भागों में 3 टुकड़ों में इस प्रकार से काटा है। तो ये लगभग 1 इंच के स्क्वायर में लगभग सारे ओल को हमने इस प्रकार से काटा है। तो ये देखिए फाइनली हमने सारे ओल को काट लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसी गर्म पानी में हम इसे डालेंगे ओल को, क्योंकि पहले हम इसे बॉयल करेंगे और उसमें नमक ज़रूर डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए जल्दी और इसके अंदर जो नमक अच्छे से सेपरेट हो सके। तो नमक आप बॉयल करते समय ज़रूर डालें और उसे ढक के लगभग 7 से 8 मिनट पकाएं, ये अच्छे से पक जाएगा। तो हम देख लेंगे बीच में इसे चाकू की मदद से। तो देखिए कितना बढ़िया ये हमारा पका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में फ्रेंड्स। हमने 2 चम्मच सरसों लिया है, उसे अच्छे से पीस लिया मिक्सी में। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। हम उसी फ्राई पैन में तेल थोड़ी ज़्यादा डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट फ्राई करके भी बना सकते हैं बगैर उबाले, लेकिन उबालने के बाद फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये अच्छे से पक भी जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आप तेल में फ्राई करेंगे थोड़ी सी तेल ज़्यादा खपत होगी। तो हमने 2 बैचों में इसे फ्राई किया था क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में है। तो ये देखिए हमारा फाइनली फ्राई हो गया है। तब नेक्स्ट प्रोसेस, उसी तेल में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसके बाद हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। कटा हुआ प्याज हमने लगभग फ्रेंड्स 6 से 7 हमने छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जबकि वेट में लगभग 100 ग्राम के आसपास होगा, 100 से 150 ग्राम के आसपास। और इस प्रकार के बिल्कुल बारीक बारीक शेप में इसे काटा है प्याज को ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम थोड़ी सी नमक डाल देंगे इसमें ताकि और अच्छे से जल्दी पक जाए और ये प्याज जो हमारा बिल्कुल इसी में पक के गल जाए। तो फिर से हम कवर करके इसे पकाएंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये प्याज का कलर भी आपको देखने से लग रहा होगा ना, बिल्कुल चेंज हो गया फ्रेंड्स। इसे हम थोड़ी सी चला लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा भुन गया है। अब हम यहाँ पर पीसी हुई जो सरसों है उसे हम यहाँ पर डालेंगे। ये मात्रा जो है फ्रेंड्स हमने लगभग 2 चम्मच के आसपास राई लिया है। तो ये देखिए अब मसाले हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये मीट मसाला हमने 1.5 चम्मच डाला है। अब मीट मसाला यहाँ पे इसमें डालेंगे तो टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद हम थोड़ी सी पानी डाल के मसाले को हम अच्छे से भुनेंगे। आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, हमने थोड़ी सी कलर के लिए इसमें डाला है। तो ये देखिए मसाला हमारा कितना बढ़िया से भुना गया है। तब हम यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे यहाँ पे डालेंगे। टमाटर हमने 2 मीडियम साइज़ का लिया है और अदरक हमने 2 इंच के स्क्वायर के टुकड़े में और 4 से 5 हमने हरी मिर्च डाला है। तो मसाला भुनने के बाद फ्रेंड्स हम इसे ओल को इसमें डाल के अच्छे से मसाले में मिलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना चटकदार बना है ना फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसी स्टेज पे उतार भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पानी हमने दिया है ताकि थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी हो। तो फ्रेंड्स इस ओल को फ्रेंड्स सूरन भी बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं और हम लोग अपने क्षेत्रों में ओल ही से बोलते हैं।
तो अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पानी डालने के बाद हम फाइनली हम इसे कवर करके पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे थोड़ी सी गरम मसाला ऐड करके इसे उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये फाइनली हमारा ओल की सब्ज़ी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका एक ग्रेवी बना है और खाने में तो इसका टेस्ट ही अलग है। तो आप एक बार बना के इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। अब देखिए सर्विंग के लिए हम निकालेंगे सर्विंग बाउल में। तो ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है थोड़ी सी ठंडा होने के बाद। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर और ग्रेवी भी देखिए आप। तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे इस प्रकार की रेसिपी का प्रयोग ज़रूर करें और इसे रोटी के साथ चावल के साथ एंजॉय करें और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।